हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्डिगन में गले का जो बॉर्डर है फ्रंट और बैक का, वो किस तरह से बनाया जाता है। ये देखिए, यहाँ से हमारी ये बी शेप आ रही है गले की, और ये हमारा बैक वाला पोर्शन है। और यहाँ मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को यहाँ से सिल दिया है। इसके बाद हम यहाँ से जहाँ से हमारे ये देखिए यहाँ से हमारी बी गले की शेप आ रही है, कटिंग हो रही है, वहाँ से हम फंदे डालेंगे। और यहाँ पर हमें जो है, जैसे यहाँ पर मैंने शोल्डर पर 30 फंदे छोड़े हुए हैं, इधर भी आपको 30 फंदे छोड़ने हैं। और वहाँ तक, जैसे यहाँ पर हमारे ये 30 फंदे हैं, और यहाँ तक जो है हम सारे फंदे डालेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले हम गले की जो कटिंग है वहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक जो है सारे फंदे डालेंगे। देखिए किस तरह से। यहाँ से जहाँ हमारा ये गले का शेप आ रहा है बी गले का, वहाँ से हम फंदे डालने शुरू करेंगे। यहाँ से कटिंग है, चेक कर लेंगे। उल्टी साइड से हम जो है फंदे डालेंगे, देखिए। और हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि मशीन में कहाँ तक हमारा ये फिट आ रहा है, वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारी कटिंग है बी शेप की, यहाँ से मैंने फंदे डालने शुरू किए, और एक एक निडिल और एक एक फंदा छोड़ के, एक निडिल छोड़ी है, एक फंदा छोड़ा है। जैसा आपने नीचे बॉर्डर बनाया है बिल्कुल वैसे ही बॉर्डर आपको ऊपर बनाना है। और यहाँ तक जो है, यहाँ से मेरे 30 फंदे मैं छोड़ दूंगी, और यहाँ तक मैं ऐसे ही सारे फंदे डाल लूंगी। डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ किस तरह से आपका बॉर्डर बनेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। अब ये सारे फंदे जो हैं, देखिए मैंने डाल लिए हैं निडल में, और यहाँ पर मैंने 30 जो फंदे हैं वो छोड़ दिए हैं, क्योंकि शोल्डर पर मैंने 30 फंदे रखे हुए हैं। एक साइड से यहाँ से छोड़ दिए हैं, और ये यहाँ से ज्वाइन कर लिया फ्रंट और बैक पार्ट एक साइड का। और यहाँ से अब मैं सारे फंदे जो हैं वो हाथ से एक बार बिनूंगी, और ऐसे ही लास्ट तक इसको हम बिन लेंगे। इस तरह से हम बिनते जाएंगे, और इनको निडल को आगे कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं बॉर्डर को तो ये निडल हमारी फंसती हैं, इसीलिए साथ के साथ हम बिनकर इनको आगे की तरफ करते चले जाएंगे, जिससे बॉर्डर बनाने में हमें दिक्कत ना हो। इस तरह से अपना धागा लगा देंगे, बॉर्डर हमारा 4 पर बनता है। हमने 4 पर इसके कैरेज के नंबर को सेट कर दिया है। अब जितना चौड़ा बॉर्डर आपको बनाना है उतनी सलाइयाँ आप बनाएंगे। मैं यहाँ पर जो हूँ 12 सलाइयाँ बनाऊंगी। ये देखिए आप, ये यहाँ पर कहीं पे भी धागा नहीं फंसा है, आराम से बन रहा है दोनों। 12 सलाइयाँ मैंने बना ली हैं, अब हम सारे फंदे जो हैं वो उतार देंगे। फंदे उतार लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ किस तरह से आपका ये बॉर्डर बनकर आया है, बैक का और गले का। इस तरह से उतारते चले आए, फंदों को थोड़ा सा ढीला ढीला ही उतारेंगे, जिससे सिलने में दिक्कत ना हो। इस तरह से, और यहाँ से हम धागा थोड़ा लंबा करके ही काटेंगे, इसी धागे से हम सिलेंगे इसको। ये देखिए, ये आपका बैक का बॉर्डर आ गया है बनकर, और ये आपका जो है गले का बॉर्डर आ गया है इस तरह से, और ये बैक का। अब यहाँ से हम इसको सिलेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपका गले का और ये बैक का बॉर्डर बनकर आ गया है।